देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी जी का राजयोग के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है नोएडा स्टेडियम में, और हमारे साथ हैं ये बहनें तीनों, हम इनसे पता करना चाहेंगे। आप ये बताइए, ये राजयोग क्या है? राजयोग आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक संबंध है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक सच्ची सुख और शांति आती है। हम राजयोगी जीवन से अपने जीवन में तनाव से मुक्त होते हैं, और राजयोग माना अपना कनेक्शन सुप्रीम पावर के साथ अटैच करें। जब सुप्रीम पावर के साथ हमारा कनेक्शन अटैच होता है तो हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती जाती है। नोएडा में आपकी कितनी ब्रांच है? नोएडा में हमारे 4 ब्रांच हैं और 28 हमारे सब ब्रांच हैं, और जिसमें 1000 स्टूडेंट हैं जो यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिस राजयोग के द्वारा हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं और 28 हमारे ब्रांच हैं और 4 हमारे सेंटर्स मेन हैं। आजकल के दौर में एक टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका राजयोग से आप निवारण कर सकते हैं। दीदी आप बताइए कि राजयोग करने के लिए आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे अपने आप को तैयार किया? पहले तो उसको अपने शरीर के भान से भूलना होगा। जब तक वो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होगा तो वो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, और जब हम सोल कॉन्शियस में स्थित होते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, और जितना कनेक्शन परमात्मा से होता है तो आत्मा के अंदर वो शांति आती है, और जहाँ शांति होती है, जो परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, उससे जब हमारा कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुख शांति खुशी की अनुभूति होती है। तो परमात्मा एक ऐसा हमारा पिता है जिससे हमारे सर्व संबंध है, और हम सभी सारे विश्व की आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा कनेक्शन उसके साथ होना नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि पिता के साथ बच्चों का संबंध जरूरी है, तभी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आज बिना पिता के, बिना माँ बाप के बच्चों को वो खुशी वो शांति नहीं मिल सकती है। तो ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा है, जिससे हम इस राजयोग के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और इस राजयोग के द्वारा कई सारी विधि सिखाई जाती है जिससे हम सहज कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करते हैं। आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है शांति का पाना, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही शांत हैं। मेरे ख्याल से राजयोग की यही खासियत है। आप और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? राजयोग से हमें मन की शांति मिलती है, जिससे कि परमात्मा की याद में हम रहते हैं। तो ये जो राजयोग है, ये राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग है। ये निराकार शिव परमात्मा द्वारा ही सिखाया जाता है। इस समय यहाँ सभी को शांति की जरूरत है। तो ये शांति कैसे हो? हम स्वयं को आत्मा समझकर निराकार शिव भगवान से, परमात्मा से अपना योग लगाते हैं, तो हमारे में सारी सुख शांति सब गुण जो है आते जाते हैं। आज के दौर में आप खास तौर से महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी, जिससे वे घर में बैठ के भी राजयोग कर सकें या आपकी संस्था से जुड़ सकें, उसके बारे में बताइए कुछ। आज के दौर पे मनुष्य के जीवन में तनाव बहुत है, और खास करके हमारी महिलाएं पारिवारिक बहुत समस्याओं से जूझ रही हैं, बच्चों का तनाव, घरेलू जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ। लेकिन जब हम वो अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करते हैं, अपना कनेक्शन सुप्रीम पावर से अटैच करते हैं, परमात्मा को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनकी लाइफ में सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो अपने जीवन में एक परम साथी का अनुभव करती है। महिलाओं से हम विशेष कहेंगे कि अगर वो अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहती हैं, शक्तिशाली बनाना चाहती हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह दुर्गा के साथ शिव को दिखाया है, ऐसे ही स्वयं के साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा को जोड़ें। जब वो स्वयं के साथ सर्व परमात्मा को जोड़ेंगे तो उसके जीवन में हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वो अपनी प्रॉब्लम को सहज पार कर सकती हैं। तो बहनों से यही अनुरोध करूँगी, माताओं बहनों से, कि आप अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं, अपने बच्चों को भी एक खुशहाल जीवन दीजिए। बच्चों के जीवन में बढ़ते हुए तनाव को दूर करने के लिए आप शुरू से अभ्यास करें, उन्हें एक आध्यात्मिक बातें बताइए। लाइफ में बहुत सारी बातें आती हैं जिसको पार करने के लिए उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर चाहिए, सहनशीलता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भावना चाहिए, जो हमें केवल स्पिरिचुअल पावर परमात्म शक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और इसका एक ही उपाय है, राजयोग मेडिटेशन, जब आप अपने अंदर की विल पावर्स को बढ़ाएंगे। राजयोग में ये जो आपके साथ जुड़ने में, क्या आपकी कुछ फीस वगैरह भी होती है, कुछ खर्चा भी होता है? राजयोग की पढ़ाई के लिए निःशुल्क सेवा केंद्र खोला गया है। हमारे पूरे विश्व में 137 देशों में इसके ब्रांच हैं, और ये निःशुल्क सिखाया जाता है।
केवल हम उनका एक घंटा समय लेते हैं, 7 डेज कोर्स कराते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्हें बताया जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आप स्वयं को रियलाइज कीजिए। दूसरा परमात्मा रियलाइजेशन, कि परमात्मा कौन है। तीसरा राजयोग क्या है, कर्म फिलॉसफी क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है, इन सभी बातों को उनको नॉलेज देते हैं। और उसके बाद प्रतिदिन उसे मेडिटेशन कराते हैं, जिससे उनके अंदर की शक्ति बढ़ती जाती है। क्या राजयोग में किसी धर्म की बंदिश भी है, या सब धर्मों के लोग इसे सीख सकते हैं? राजयोग में किसी प्रकार की धर्म की बंदी नहीं है, क्योंकि एक शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा, जो कि हर एक को अनिवार्य है। चाहे इसमें किसी प्रकार के वर्ग की जरूरत नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं है, बच्चे, युवा, वृद्ध, हर एक इस अभ्यास को कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। राजयोग इस सेंटर की मुख्य जो संचालिका है, हमारी शील बहन ब्रह्मा कुमारी शील दीदी, जो कि 65 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और अपने जीवन से अनेकों के जीवन में सहनशीलता, प्रेम जैसे गुणों को विकास करती हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राजयोग के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया।